जयप्रकाश वर्मा भाजपा छोड़ के जेएमएम आए और वो पूरा लोकसभा कोडरमा लोकसभा में दौरा किए, लोगों तक कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे कोडरमा लोकसभा का, लेकिन यहाँ का सीट देख रहे हैं कि जेएमएम के खाते में जाता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे वक्त में गांडे विधानसभा में जो कुशवाहा है वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, तो उसमें क्या असर पड़ेगा? सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अपने क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ की योजनाएं ला सका तो जब हेमंत बाबू की अर्धांगनी जिस सीट पर होंगी एमएलए, उस क्षेत्र में तो विकास की एक नई गंगा बहेगी। देश में जब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड प्रदेश में गांडे का उपचुनाव है, और गांडे का उपचुनाव ये झारखंड प्रदेश का पहला ऐसा उपचुनाव है जो लोकसभा के साथ होता है। क्या कुछ है ये उपचुनाव में, आइए हमारे साथ बात करने के लिए गिरिडीह सदर के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू हैं। क्या क्या कुछ है जानने का प्रयास करते हैं। जोहार आपका। जोहार आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन और जोहार। इस बार गांडे का जो उपचुनाव है वो देखा, कितना कॉन्टेस्ट हो सकता है? गांडे झारखंड आंदोलनों की धरती रही है। गांडे विधानसभा ने हमारे नेता सालखन सोरेन को 4 बार और हमारे नेता सरफराज साहब को 5वीं बार विजयश्री दिलाई है, तो कंटेस्ट उन्टेस्ट तो क्या होना है, खैर होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि मुझको उम्मीद है कि गांडे की विधानसभा की जनता इस बार कीर्तिमान स्थापित करेगी। जैसे 2 दिन का जो सफ़र रहा मैडम का, कल्पना मैडम का, तो उसमें आप नज़र आए, जयपुर विधायक जयप्रकाश वर्मा जी नज़र आए, राज्यसभा सांसद सह पूर्व विधायक सरफराज अहमद जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, काफ़ी देख रहे थे, जोरों शोरों से लगे हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद जिस तरह से भाजपा एक आरोप लगा रही है कि गांडे विधानसभा जो है कल्पना नहीं जीत पाएगी, तो इस पर जिस तरह कल सभाएँ हुई थी उनकी, गांडे विधानसभा कल्पना सोरेन जीतेंगी या हारेंगी यह फैसला गांडे क्षेत्र की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन 2 दिवसीय दौरे में जनता का जो अभूतपूर्व उत्साह था वो कहीं ना कहीं पूत के पांव पालने में दिखा रहा है, और जिस तरीके से सड़कों पर जनता कल्पना सोरेन को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए आई थी, वो इस बात को दर्शाता है कि जनता ने उनको कितने गंभीरता से और कितनी उत्सुकता से देखा है। चुनाव के नतीजे आने दीजिए, 5 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कड़वे बयानों पर करारा तमाचा गांडे की जनता मारेगी। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अगर पार्टी ने गिरिडीह को उनकी कर्मभूमि के रूप में चुना, गिरिडीह के स्थापना दिवस में 4 मार्च में उनको राजनीतिक तौर पर प्रस्तुत किया गया, तो ये एक बड़ी जवाबदेही है जो नेतृत्व ने हम लोगों को दी है, और हम ये जानते हैं कि गिरिडीह जिले का हर एक कार्यकर्ता नेतृत्व के द्वारा मिली गई इस जवाबदेही को बहुत मजबूती और बखूबी निभाएगा, और जो नेतृत्व ने हमसे उम्मीद की है उनसे बेहतर नतीजे हम उनको देंगे। मैडम के साथ 2 दिन हम लोग भी दौरे पे थे मीडिया कवरेज को लेके, तो उसमें से चेहरा एक देखने को मिला कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है नाराज़ होके भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, क्या वजह हो सकती है? नाराज़गी किससे थी ये तो भी समझने का विषय है, लेकिन हमको ये मालूम है कि कसम खाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय का वोट नहीं मिलने जा रहा है। चेहरे भले चले जाएं, लेकिन मांस को जाकर वो नहीं कह सकेंगे कि आप तीर्धनुष को छोड़कर कमल फूल में वोट दे दो। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ हानि, गुना गणित के चलते बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव के दरमियान इधर उधर आते जाते रहते हैं, वो उनके व्यक्तिगत मसले हैं। हम एक बात स्पष्ट जानते हैं कि यह चुनाव 2 ही ध्रुवों के बीच का चुनाव है, एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और दूसरे वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम गांडे की जनता के बीच में इंटरव्यू किए, तो इंटरव्यू में गांडे की जनता कह रही थी कि हम लोग यहाँ से विधायक ही नहीं, एक मुख्यमंत्री जिता के भेजेंगे, तो क्या ये सदर विधायक क्लियर करेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रही है? ये जवाब हमने एक और इंटरव्यू में दिया है, उसी को दोहराना पड़ेगा हमको।
आज गिरिडीह विधानसभा के इन 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2000 करोड़ की योजनाएं हम लेकर आए हैं, और ये 2000 करोड़ की योजनाएं इसलिए आई हैं कि लोग कहते हैं कि गिरिडीह सदर विधायक को तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बड़ा विश्वास और समर्थन हासिल था। तो अगर उनके उस विश्वास और समर्थन के चलते मैं अपने क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ की योजनाएं ला सका, तो जब हेमंत बाबू की अर्धांगनी जिस सीट पर होंगी MLA, उस क्षेत्र में तो विकास की एक नई गंगा बहेगी। जब उनके आशीर्वाद से 2000 हम ले आए, तो उनकी अर्धांगनी तो 4000 करोड़ की योजनाएं ले आएंगी, और गांडे चमन बनेगा आने वाले दिनों में। ये तो हो गई योजनाएं की, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैडम आगे की मुख्यमंत्री रहेगी यही सीट से। नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, ये तो तय पार्टी करेगी, पार्टी का नेतृत्व करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री वो हों अथवा ना हों, वो स्टार कैंपेनर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और जिस सीट का वो प्रतिनिधित्व करेंगे वो सीट भी विशिष्ट सीट होगी, और वहाँ की जनता को भी विशिष्ट सुविधाएँ हासिल होंगी। तो गिरिडीह की धरती से ही पॉलिटिकल लॉन्चिंग होना क्या समझा जाए? झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में धनबाद के बाद गिरिडीह था जहां पर 51वां स्थापना दिवस है, और निश्चित रूप से हमारे पूर्ववर्ती अगुआ साथियों ने जो इस ज़िले के नेता थे, उन लोगों ने इस ज़िले में पार्टी के संगठन को बहुत संजो कर बचा कर रखा। तो नेतृत्व का भी यह भरोसा था कि पूरे राज्य के तमाम जिलों से ज़्यादा बेहतर गिरिडीह रहेगा कल्पना मैडम के लिए, और उन्होंने गिरिडीह को यह अवसर दिया, और गिरिडीह इस अवसर का फ़ायदा उठाएगा। हमारा नेतृत्व जिन भरोसे और उम्मीदों से उनको यहाँ भेजा है, हम उससे ज़्यादा करके उनको देने के लिए। एक आखिरी सवाल कि जयप्रकाश वर्मा भाजपा छोड़ के JMM आए, और वो पूरा लोकसभा कोडरमा लोकसभा में दौरा किए, लोगों तक कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे कोडरमा लोकसभा का, लेकिन यहाँ का सीट देख रहे हैं कि JMM के खाते में जाता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वक्त में गांडे विधानसभा में जो कुशवाहा है वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं, तो उसमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, सीटों की आधिकारिक घोषणा के उपरांत ही चीज़ों को बोलना ज़्यादा उचित होगा। अभी अगर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोडरमा की सीट माले को जा रही है, तो कयासों के आधार पर जवाब देना उचित नहीं। सीटों की आधिकारिक घोषणा हो जाने दीजिए, आधिकारिक घोषणा के उपरांत जो परिस्थितियां निर्मित होंगी उसके हिसाब से हम लोग विचार करेंगे। और रह गया सवाल, मैं विश्वकर्मा जाति से आता हूँ, पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा जाति के कितने लोगों को टिकट मिलता है? तो जाति के आधार पर चीज़ों को देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये झारखंड के मूल वासियों की लड़ाई है, और एक वैसे राजनीतिक दल की लड़ाई है जो हमेशा से बाहरियों का पोषक रहा है। तो अब झारखंड की जनता को यह तय करना है कि वो मूलवासी सोच वाली सरकार के साथ रहेगी या उन बाहरियों के साथ रहेगी जो उनका हक हिस्सा काटकर आज तक बाहरियों को देते आए हैं। और हमको लगता है कि गांडे के प्रबुद्ध जनता मूलवासियों की सरकार आबुआ सरकार पर ज़्यादा भरोसा करेगी और कल्पना सोरेन पर अपनी मोहर लगाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ये बात तो क्लियर हो गया कि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी ने बताए कि गांडे से कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत रहे हैं और जीत के जाएंगी, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है, ये ऑफिशियली नहीं हो पाया है कि ये प्रत्याशी ये रहेंगी या फिर यहाँ से मुख्यमंत्री सीधा ये बनेगी। बाकी क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा कि गांडे का उपचुनाव में क्या कुछ रंग लाता है। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पूरा प्रदेश जो है JMM का संगठन है, और क्या कुछ होता है, और ये पूरा प्रदेश का नज़र ये गांडे के उपचुनाव में है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ये गांडे के उपचुनाव में निकल के आता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए इजाज़त, जोहार।